तो एक नया एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे आपको सिंपली दिखाना है कि सपोज मेरे पास एक एरे ऑफ इंटीजर वेरिएबल है और मैंने उसे एक एरे ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट असाइन करना है। तो एक एरे ऑफ इंटीजर को मैंने इंस्टेंशिएट किया और उसका साइज़ हमने स्पेसिफाई किया 3 एलिमेंट्स, और इस तरह से मैंने एक एरे ऑफ इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया और फिर एक एरे को इंस्टेंशिएट किया और हमने इस एरे वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो क्या ये लीगल स्टेटमेंट है? एब्सोल्युटली लीगल स्टेटमेंट है। तो मैं इस कोड को कंपाइल करके दिखाता हूँ। i.java को हमने कंपाइल किया और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इनफैक्ट मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये प्रॉपरली रन हो रहा है। नाउ अब हमें इस बारे में सोचना है कि जब हम इस इंटीजर एरे वेरिएबल को, ये इंटीजर एरे ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है इंटीजर एरे, और जो हमारा मेथड है उसका नाम है प्रो। और सपोज मेरे पास एक इंटीजर एरे है, वेरिएबल मैंने बनाया एक्स, और इसको मैं शॉर्टकट नोटेशन से इनिशियलाइज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, सेमी कोलन, और मैंने फाइनल स्टेटमेंट लिखा कि मैं एक इंटीजर एरे रिटर्न करता हूँ। नाउ अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो क्या होगा? तो इसको हम कॉल करेंगे प्रो, तो हमें एक इंटीजर एरे रिटर्न होगा, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो एक इंटीजर एरे वेरिएबल है जिसको हम लोगों ने शॉर्टकट नोटेशन से एक इंटीजर एरे ऑब्जेक्ट असाइन किया हुआ है, यानी कि वो जो इंटीजर एरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कोड एक्स के पास है उस एरे ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो उसे होल्ड करने के लिए भी हमें यहाँ पर एक इंटीजर एरे वेरिएबल बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग प्रो को कॉल कर पाएंगे। ये मैंने प्रो को कॉल किया और प्रो हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा एक वो इंटीजर एरे का रेफरेंस कोड होगा, जैसे इंटीजर एरे रेफरेंस वेरिएबल वाई में हमने होल्ड किया। नाउ मैं यहाँ पर एक एनहांस फॉर लूप यूज़ करता हूँ। तो एनहांस फॉर लूप में मैंने यहाँ पर वाई स्पेसिफाई किया और हमें मालूम है कि इस एरे में से एक एक इंटीजर रिकॉर्ड फेच होगा, इसलिए एक इंटीजर वेरिएबल आई में मैं इसको स्टोर करूँगा। और नाउ हम यहाँ पर वेरिएबल आई को प्रिंट करेंगे और इस तरह से हम लोग मेन मेथड में बैठ के प्रो से मिलने वाले एरे को इटरेट करके उसके रिकॉर्ड्स को एक एक करके प्रिंट करेंगे। ये हमारा एग्जांपल आई डॉट जावा है। इनफैक्ट मैं यहाँ एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ 84। आई डॉट जावा को हमने कंपाइल किया। नाउ वंस अगेन हम इसको रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे प्रो मेथड ने एक एरे को रिटर्न किया। तो इस एग्जांपल का पर्पस था ये बताना कि हम किसी मेथड के रिटर्न टाइप में एरे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में इतना ही।